Hey guys, good morning करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है और भैया तड़का पैन मैंने रख दिया, किसने रखा है। सुबह सुबह नाश्ता बनाएंगे संडे को बच्चों के लिए बढ़िया सा। हमारा वो सिग्नेचर सैंडविच बनता है शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, प्याज, तंदूरी सॉस, मियो, मिंट, ऑरिगेनो और कुछ फ्लेवर डालेंगे बढ़िया से। और चीज़ें किसी को पसंद नहीं है, पनीर, पनीर भी है भाई। पनीर सैंडविच, तंदूरी पनीर सैंडविच बनाने लगे हैं बढ़िया सा। और इसी के बीच में ये लो भाई साहब, ये आ गया बढ़िया सा डिश आ गई है। डिश क्या चीज़ है बैक कैमरे में करके दिखाता हूँ। ये सोनिया भाभी ने बनाया क्या चीज़ है अभी डिश। गाइस ये देखो क्या मस्त वाले फूल खिले हैं। सुबह सुबह आया था, मैंने बाजरा डाल दिया था और मैं ये डाल रहा हूँ स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न मैंने डाल दिए हैं, बहुत सॉफ्ट वाले होते हैं ये। अभी कबूतर आएंगे खा लेंगे, पानी भर के रखा हुआ है, गर्मी बहुत है और बस अभी धूप है, वो आएंगे भी इन कबूतर वगैरह। देखो सामने वाले मकान में भी काम ना रुका हुआ है, गर्मी के कारण बिल्कुल काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। भेजा नहीं डॉली अपने भाई के सामने ताने मार रही है। तो भाई के सामने ताने मार रही, तभी तो वो बोल रहा था चल दीदी चल, आप नहीं कह रहे हो तैयारी होगी, सारी बैग बैग में तैयारी होगी, सारी तैयारी होगी। वो तो एक मिनट तैयारी कर लेते हैं, मैं कोई नहीं अगली बार पक्का देखें, बाबा जी ने बुलाया होगा तो पक्का जाएंगे। मेरे को फिर जाएंगे। अरे पेपर है ना काकू, सार्थक का पेपर है 6 तारीख को, बोलते इसको पता ही नहीं है 6 तारीख को पेपर है, 6 तारीख तक तो आ ही नहीं पाएंगे। वहाँ पे जाने के लिए 4-5 दिन चाहिए है ना, 7 दिन कम से कम, 7 दिन पूरा, 7 दिन पूरा। आप तो जा सकते हो ठंडे इलाके में, साथ मैं भी जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। लेकिन एक बार आप चलो बहुत अच्छा आनंद आएगा। सही में भाई बच्चे हैं, बच्चे चले जाते हैं तो फिर तो आप तो पड़े पूरी फैमिली के साथ, पता नहीं लगता पूरा एकदम। कहीं भी जाओ पूरी फैमिली से कभी नहीं पता लगता, बहुत एंजॉय करता है। कितना खुश हो रही, दोपहर का काम खत्म हो गया, गर्मी में देखो कहीं से भी आ जाएगी खाने की चीज़, कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। अब सुबह सुबह सैंडविच बाहर से देखो, कोई बंदा इतनी मेहनत करके गर्मी में सड़सड़ के काम किया है तो फिर और क्या चाहिए हमें। चलो मैं सैंडविच बनाता हूँ यार, फिर सुबह सुबह आम भी ले रही है, देना है कैसे आम 40-40 30-30 बार्गेनिंग दे दे, कोई बात नहीं। ये बैंगन भी ले लिए, तो आपके सामने खड़े हैं भैया आम वाले और बढ़िया सा, बस दो ही आम, 1 किलो चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, बढ़िया से आम है, बहुत मीठे आम होंगे वरंगल के हैं। तो गाइस हमारे लिए आ गया बेल का शरबत, भैया लेकर आए हैं, ताज़ा बनाया क्या अभी? अभी बनाया। किचन में बहुत सारा सामान पड़ा है भैया, आज लंच की छुट्टी है। आम का अचार ललिता भाभी ने दिया मस्त वाला, बहुत ललिता भाभी काफ़ी बहुत अच्छा अचार डालती है। पुलाव बनाया है उन्होंने, ये पुलाव है, अचार है, कुलचे, छोले, सारी चीजें बहुत सारी है अभी। तो गाइस मस्ती शोर चल रहा है भाई साहब यहाँ पर बहुत सारा। हाय गाइस, हाय गाइस का तो आज हमारे मेहमान हमें लेने आए हैं, अब देखते हैं ये भेजते कि नहीं भेजते। अब भाई भी चले गए सुबह का, भाभी सोनिया भाई भी कहती कोई बात नहीं मैं डॉली से भेज के दूंगी, देखते गोल्डी कैसे रखेगा तुझे, भेजेगी भाभी आपको एक और नया YouTube चैनल मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल, अरे उसके अकेले नहीं भेजेंगे, उसकी जान है बेटा, वो पीछे रह जाएंगे। काकू को अपने साथ में कहते तू मेरे साथ 10 घंटे लगा के चल, ये अलग नहीं होगा। काकू इस वन करियो, हम खुद ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे साथ साथ ही है, पैकिंग हो गई सारी, पैकिंग हो गई सारी, पैकिंग हो गई है, बच्चे मिलने के लिए आ रहे हैं। ईशु भाई को बुलाइयो, नहीं वैसे तो शाम को जाएंगे, हो जाएगा कि बच्चे का, पर नहीं भेज सकते। अरे एग्जाम उसका 6 तारीख को एग्जाम शुरू हुआ है, अब अगली बारी देखते हैं, अगली बारी तक तक अगली बारी तो एग्जाम ही नहीं होंगे। हमारा इंजीनियर नहीं, वो 1 साल का और भी रहता है, पता नहीं रहे। हाँ, अभी लास्ट ईयर का रहेगा, अगले साल फिर देखते क्या होता है। तो अगले साल पक्का आप ही से करके रखने, पहले ही सोच लेंगे सब शुरू होगा उससे आगे, पहले बनना करेंगे। हमें इस टाइम आइडिया नहीं था ना सर, कब से चल रहा है पता, डेट शीट अभी तो आई है 2 दिन पहले, तो इसकी डेट शीट आई है, अब 2 दिन पहले पता रहता है एग्जाम का इसका। सही, लास्ट ईयर का ये बता सकते हैं मिड में, जैसे टीचर वगैरह बता देते कि कैसे क्या करना है। हनी जाके वहाँ पे अच्छी अच्छी वीडियो बना ले पूरी, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी पूरा, मैं बता देगा अभी काकू बता देगा सारा। ऐसे ऐसे चलते भाई, तू वीडियो बनाएगा वहाँ पर, कौन सी वीडियो बनाएगा? अच्छा बता दे कौन कौन सी वीडियो बनाएगा फटाफट जल्दी, बहुत सारी इंस्टाग्राम पे बनाएगा, यूट्यूब पे अच्छा जयकारा लगा दे, एक बारी बोलो 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 सतनाम बोलो, बोले सोने सत श्री अकाल, चलो भाई।
लगाता है ना तो आस पास जितनी भी संगत होती है ना बच्चे को पिछली बार भी बहुत ज्यादा वीडियो बच्चे को देख रहे हैं हिम्मत आ जाती है सब पे। चलो भैया हैप्पी जर्नी तुम्हें भैया, चलो जाओ अपना मैच स्टॉप लगा दर्शन करके आओ फटाफट फिर आपका और जाएगा बुलाएंगे। बातें बड़ी हो गई, अब लंच दे दो। बस लंच बनी पड़ी है, ललिता बाबू ने चावल दे रखे हैं और सोनिया बाबू ने छोले कुलचे दिए हुए थे। यानी कि आज लंच की छुट्टी, आज लंच की मैंने तो आपको बता ही दिया था बनाऊंगी मैं कुछ भी नहीं, वही सब मिलजुल के खा लो सब चंदन साथ में चाय कॉफी। अपने घर की चंदन ही होता प्यार होता है, ये प्यार मिला है प्लेट हो चंदन होता है जो मिक्स खाते हैं। अच्छा बाहर से जो आता है लंगर भंडारा आता है वो चंदन, वो हमें बेसोचे हुए चीज आती है, बेसोचे हाँ यहाँ से चीजें मिल जाएंगी चंदन। चलो बढ़िया चलो बढ़िया, अब दे दो भाई साहब लंच दो। तुमने क्या पीना, चाय पानी क्या है भैया? ठंडा गरम क्या पीना, वैसे तो ठंडा पीना ही पीना है, गरम पीना जुकाम उतर जाएगी, अदरक वाली चाय बना, चाय स्ट्रॉन्ग वाली पिला देते तेरे को, चाय काला हो जाएगा नहीं, चाय पिया कर अच्छा होता है, चाय से कोई काला नहीं होता, तेरी कोई गोरी हो गई, काली नहीं होती कितनी गोरी, चाय पी के मेरी फोटो देख कितने गोरा गोरा आता है। चलो भाई बाय 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 गाइस बाय बाय। तो गाइस इनका चैनल ओपन होने वाला है, हेमकुंड साहिब की पूरी यात्रा का वीडियो आपको मिलेगा इनके, और मैं लिंक डालूंगा जब भी ये लोग आएंगे, ठीक है जी? पक्का चाय बाल्टी चल रही है, हाँ डॉली में जा रहा हूँ शॉपिंग, बाय बाय जी ठीक है, चलो जी मिलेंगे बाद में आपको। ये आ गया सोनिया भाभी, मत्था टेकने के लिए दे दिया भैया, चल ठीक है बाय बाय, जाओ भाई आप जाओ। गाइस क्या रखा हुआ, अच्छा जी ये दाल रखी हुई है मुर्गी मछली की डाली, बहुत दिन बाद खिचड़ी में डाली थी, गाइस बड़े दिनों बाद ये मुर्गी मछली की सिंपल दाल बनी है, क्योंकि भैया दोपहर को खा लिए थे हमने पुलाव जो ललिता बाबू ने दिए थे, छोले कुलचे थे, सुबह ब्रेड सैंडविच खा लिए थे, सारा हैवी हैवी हो गया था मैदा, तो इसलिए मैंने डॉली को बोला मैंने भैया अपना बिल्कुल सिंपल सी, बस सिंपल सा जीरे का तड़का लगेगा, देसी घी का और दाल और रोटी, बस तक काकू का भाई काकू नजर नहीं आ रहा, मासी के घर गया है, किसके साथ? नहीं छोड़ के, कोई छोड़ के आया था डॉली, ये मासी के घर चले गए भाई वो, हाँ भाई आज मासी मामी सब मिलने के लिए आए हुए थे ना, तो वो मौका चौक देख के चौका मार के निकल जाते हैं। अच्छा जी और क्या, तो अब छुट्टी है वो कहाँ है उसको परेशानी होता रहता है ना, अब डिनर करके आएगा वहाँ पर, हाँ डिनर करके उस दिन परसों तरसों ना मामी के पास करके आया था मासी के पास करके आएगा, हमने तो मुंगी मसरा की दाल बना ली, मैंने चेक वो भी किया आलू की सब्जी कह रही थी, कहती मुझे ऑफिस भी ले जाना है तो फिर मैं अभी बना लूंगी तो सुबह के लिए दिक्कत नहीं होगी ना, जीरे का तड़का लगा ले वास्ते, हाँ जीरे का तड़का लगा दो उसमें रोटी बना दूंगी। वो आया था उसका मुन्ना का फोन आया था, अच्छा अभी कोई नहीं बात कर लेते वीडियो कॉलिंग करते कहाँ पे, वो अभी बस पे ऋषिकेश की बस पे बैठ गए, वो बैठ गए तो रास्ते में तो कर ही लेंगे ना, अभी मिल जाएगा तो करो, चलो चलो देखे क्या कर रहे, पहले वो काकू को मैं देखता हूँ फोन करके, काकू का मुंह ऐसे बन गया, हनी उसको कहता चल चल कहता टच में डाल के ले जाओ मुझे, मैं कोई बात नहीं बाद में जाएंगे बेटे, अकेले नहीं जा सकते ना, पापा फिर जाएंगे साथ में, हमारी अलग बात है ना, फिर चल मैं एक बार देख कर आता हूँ ठीक है, खाओ के जाओ भाई। बस लेकर आ गया उसको मासी के घर से, क्या क्या खाया, किया चने की दाल है तो यहाँ पर क्या है, अच्छा पनीर भी बनाया था यहाँ पर, तो भाई साहब बनी हुई है मूंगी मसरी की दाल तड़के वाली, खानी है खाना खाया है, अच्छा एक रोटी खा लेगा, चल ठीक है, और क्या क्या खाया वहाँ पर, मासी कब गई थी अभी यहाँ से, सवार साढ़े आठ गई है, चलो भाई सब बराबर अपना काम को निकालो फटाफट करो, होमवर्क करो थोड़ा सा आज है, टॉपिक दे रहा है टॉपिक निकाल दे साथ में किसको, बस लगा दिया जीरे का तड़का लगा दिया, खाली सिर्फ जीरा और कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें, बस लगा दिया जीरे का तड़का लगा दिया, खाली सिर्फ जीरा और कुछ भी नहीं डाला मैंने इसमें। तो गाइस आ गई है डॉली लेकर, बढ़िया सा डिनर, दाल है अचार है और रोटी, ये रोटी पनीर भी है, आपको जैसे खाना पनीर को वो भी खा सकते हो, खाना लेकर आ गई है मैडम, अच्छी बात है ना गर्मी में सिंपल खाना भी अच्छा होता है, बड़े दिनों बाद मूंगी मसूर की दाल बनी है, कितने दिनों से बना ही नहीं रही थी मैं, छह में पाँच आउट हो गए, कर रहे हो
क्या क्या चीज है वो पढ़ के बता रहा है इसमें क्या क्या चीजें। आप दवाई लेके आए थे ना, आपको कहता है मुझे दिखाओ, आपको धुंधला धुंधला दिखता है तो मैं बताता हूँ क्या लिखा पड़ा है। अच्छा तभी आई ड्रॉप पे मैं डाल लेती हूँ ना, थोड़ा सा डाल के दो मिनट गुलाब है ना, नींबू भी है, सब कुछ है ना, क्या क्या मिक्स है, एलोवेरा गुलाब जल नींबू सब कुछ लिखा हुआ है ना। हाँ काफी चीज, काफी लोग लेके जाते हैं। मैंने अब पता लगा सामने, मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी कहते हैं ये दवाई काफी लाल भी हो ना। हाँ जैसे गर्मियों से हो जाता है ना, आइस फ्लू वगैरह हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसके लिए भी ये दवाई बड़ी शानदार है। ये वाली काकू दिखाइए कौन सी, एक बार फिर दिखा देते हैं। नीचे रख दे बाबू, इधर नीचे रख दे, इधर करो ना, सीधा करो बाबू। तो गाइज ये आइस ड्रॉप है और आप किस कंपनी का है, इस कंपनी देवश्री का जी, ये नैनी का है नाम, आप आराम से देख के हम मंगवा भी सकते हो। ठीक है ना, बिल्कुल मेरी शॉप के सामने जो मंदिर है, गीता भवन मंदिर है। हाँ सही है वैसे, उनको फर्क पड़ा है काफी, बोला काफी टाइम, मतलब थोड़ा अभी तो शुरुआत ही करनी है ना, अभी एक दो दिन होगा तो अभी कुछ टाइम डालूंगी तो पता चलेगा ना कितनी आपको इफेक्ट पड़ता है। आयुर्वेदिक कोई साइड साइड इफेक्ट नहीं होता, इससे नहीं होता। तू मत डालियो, बच्चों के लिए नहीं है, एक वो भी दवाई अच्छी आती है ना, एक वो भी तो दवाई आप पहले लाते थे, वो कौन सा, दृष्टि पतंजलि वाली, वो बहुत तेज लगती है, वो आंखों में बड़ी तेज लगती है। प्याज वाली है, प्याज वाली है, बिना प्याज के हम प्याज वाली लेके आते थे, हमें पता नहीं था, एक बिना प्याज ज्यादा जलन होती थी ना, हाँ वो वाली हम लेके आते थे। तो गाइस इसके साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, आज डॉली को लेके जाने लगे थे उसका भाई और भाभी, जबरदस्ती नहीं, पहली बार जाना, कोई बात नहीं, इस बार इनकी कहना मान के नहीं जाती, अगली बार अगर ये कहेंगे कि देखेंगे फिर मैं देखूंगी नहीं, मैं सीधा बैग पैक करूंगी काकू को, सार्थक अगर फ्री होगा तो उसको लेके नौ दो ग्यारह बच्चों को तो लेके जाऊंगी, पहली बार जाना मुझे लगता है आपके साथ ज्यादा सही है ना, मुझे जाना। हाँ चल पड़ेंगे, चल मैं भी, मगर वहाँ पे भगवान जी का नाम लेके आऊंगी तो आप भी लेके आना भाई, वे हो जाए, साथ हो जाएगा ना थोड़ा। चलो ठीक है, बाय बाय बाय।